हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है गंगा कावेरी एक्सप्रेस के बारे में, जो कि चेन्नई सेंट्रल से छपरा जंक्शन बिहार के बीच में चलती है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है गंगा कावेरी एक्सप्रेस के बारे में। ये जो ट्रेन है हफ्ते में 2 दिन चलती है चेन्नई सेंट्रल से छपरा जंक्शन के बीच में। गंगा कावेरी एक्सप्रेस का जो नंबर है वो है 12669 और ये चेन्नई सेंट्रल से हर सोमवार और शनिवार को छपरा जंक्शन के लिए रवाना होती है। ये 42 घंटे 5 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। इसके तकरीबन 24 स्टेशंस हैं और ये 2340 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड जो है वो है 56 किलोमीटर पर आवर। गंगा कावेरी एक्सप्रेस जो है वो सुपरफास्ट टाइप की ट्रेनें से साउदर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। अगर इसके टिकट किराए के बारे में बात करें तो चेन्नई सेंट्रल से छपरा जंक्शन फर्स्ट एसी का जो किराया है वो है 5365 रुपये और सेकंड एसी का जो किराया है वो है 3100 रुपये, जिसमें जीएसटी चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज, बेस फेयर चार्ज और सुपरफास्ट चार्ज शामिल होता है। दोस्तों ध्यान रहे, ये जो मैं आपको किराया बता रहा हूँ ये चेन्नई सेंट्रल से छपरा जंक्शन तक का बता रहा हूँ। थर्ड टीयर का जो किराया है वो 2105 रुपये, जिसमें जीएसटी चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज, बेस फेयर चार्ज और सुपरफास्ट चार्ज शामिल होते हैं। इसके अलावा इसमें स्लीपर क्लास के भी कोच हैं। स्लीपर क्लास में कोई जीएसटी चार्ज नहीं लगता, बाकी सारे चार्जेस जो हैं जोड़े जाते हैं। स्लीपर क्लास का जो किराया है वो है 800 रुपये, इसमें जीएसटी चार्ज नहीं जोड़ा जाता और रिजर्वेशन चार्ज, बेस फेयर और सुपरफास्ट चार्ज जोड़ा जाता है। इसके अलावा जनरल अनरिजर्व डिब्बो का जो किराया है वो है 460 रुपये के करीब। ये जो मैंने अभी आपको किराया बताया ये अपडेटेड और सही किराया नहीं है। सही किराया जानने के लिए आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके कन्फर्म कर लें। इसके अलावा इस ट्रेन में रसोईयान कक्ष यानी कि पेंट्री कार भी शामिल है, जहां से आपको ट्रेन के अंदर ही फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ये फूड फैसिलिटी के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने होते हैं टिकट के अलावा भी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं गंगा कावेरी एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं। गंगा कावेरी एक्सप्रेस जो है चेन्नई सेंट्रल से हर सोमवार और शनिवार को शाम के 5:40 पर रवाना होती है 6 नंबर प्लेटफॉर्म से और इसके तकरीबन 24 स्टेशन हैं और 2340 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है गडूर जंक्शन में पहुंचती है शाम के 7:38 और 7:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है ऑनगोल स्टेशन में पहुंचती है रात के 9:29 और 9:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद गंगा कावेरी एक्सप्रेस जो है वो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा जंक्शन में रात के 12:05 पे पहुंचती है और 12:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है तेलंगाना के खम्मम स्टेशन में पहुंचती है रात के 1:40 के करीब और 1 मिनट बाद 1:40 पे ही वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये वारंगल स्टेशन में पहुंचती है रात के 3:08 पे और 3:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद गंगा कावेरी एक्सप्रेस जो है वो श्रीपुर कागज नगर में पहुंचती है 6:34 पे और 6:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। बलहरशाह जंक्शन महाराष्ट्र में ये ट्रेन जो है 8:05 पे पहुंचती है और 8:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये महाराष्ट्र के चंद्रपुर स्टेशन में पहुंचती है 8:29 पे और 8:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है और यहां पर ये ट्रेन जो है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है। उसके बाद गंगा कावेरी एक्सप्रेस जो है वो सेवाग्राम जंक्शन में 10:23 पे पहुंचती है और 10:25 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है नागपुर जंक्शन में पहुंचती है 11:50 पे और 11:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। पंडूरना स्टेशन में ये 1:09 पे पहुंचती है और 1:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। उसके बाद ये मध्य प्रदेश के बैतूल स्टेशन में 2:30 पे पहुंचती है और 2:32 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। इटारसी जंक्शन में ट्रेन जो है 4:55 पे पहुंचती है और 5:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 15 मिनट का स्टॉप है और यहां पर इसका इंजन भी चेंज होता है। उसके बाद ये पिपरिया स्टेशन में पहुंचती है 6:02 पे और 6:04 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद गंगा कावेरी एक्सप्रेस जो है वो जबलपुर जंक्शन में पहुंचती है 8:50 पे और 9 बजे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है कटनी जंक्शन में पहुंचती है 10:18 पे और 10:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। सतना जंक्शन में ट्रेन जो है 11:40 पे पहुंचती है और 11:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है।
उसके बाद ये ट्रेन जो है इलाहाबाद जंक्शन में रात के 3:50 पे पहुंचती है और 4:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 25 मिनट का स्टॉप है और यहां पर जो है इंजन रिवर्स भी होता है। उसके बाद ये ट्रेन जो है भदोही स्टेशन में पहुंचती है सुबह 5:48 पे और 5:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और यहां पर ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। उसके बाद ये वाराणसी जंक्शन में सुबह 7:05 पे पहुंचती है और 7:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद गंगा कावेरी एक्सप्रेस जो है वो गाजीपुर सिटी में पहुंचती है। गाजीपुर सिटी में ट्रेन जो है सुबह 8:25 पे पहुंचती है और 8:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है उत्तर प्रदेश के आखिरी स्टेशन और इस ट्रेन का जो सेकंड लास्ट स्टेशन है वह बलिया में पहुंचती है सुबह 10:17 पे और 10:23 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 6 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद गंगा कावेरी एक्सप्रेस जो है वो अपने आखिरी स्टेशन बिहार के छपरा जंक्शन में सुबह 11:45 पे पहुंचती है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहां तक की जो टोटल जर्नी है ये 2335 किलोमीटर के करीब जो है कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ ये ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो के रिगार्डिंग कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई पसंदीदा ट्रेन पर मैं वीडियो बनाऊँ तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुँचती रहे और बाकी अन्य वीडियोज़ को भी जरूर देखें। अगर आप नए हैं या अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।